नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि फास्ट फूड, जिसे जंक फूड भी कहा जाता है, अगर इसको आप खाते रहते हैं तो इससे सेहत को आपके क्या नुकसान झेलने पड़ते हैं। दोस्तों, बर्गर, पिज़्ज़ा, नूडल्स, इनका नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ गया ना। लेकिन ये फास्ट फूड हमारी सेहत के लिए कितने नुकसानदायक होते हैं, आज हम जानेंगे कि फास्ट फूड यानी कि जंक फूड खाने से हमारी सेहत को क्या क्या नुकसान होते हैं। जब अमेरिकन साइंटिस्ट माइकल जैकबसन ने 1972 में जंक फूड वर्ड का पहली बार इस्तेमाल किया था, तो उनका मतलब कबाड़ जैसे खाने से था। उन्होंने ऐसे फूड के बारे में समझने की कोशिश की थी जो स्वाद में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन इसमें पौष्टिक तत्व ना के बराबर होते हैं, साथ ही यह सेहत के लिए नुकसानदायक होते हैं। भारत में फास्ट फूड का बाज़ार 2020 तक 27.57 अरब डॉलर हो गया है। दोस्तों, इंडियन जितनी तेज़ी के साथ इस फूड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उतनी ही तेज़ी से बीमारियों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। जंक फूड फैट बढ़ने के साथ दिल की कई बीमारियों के लिए जिम्मेवार होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं बर्गर के बारे में। बर्गर 100 ग्राम की मात्रा का और कैलरी इसमें होती है 295। और दोस्तों, इसमें जो फैट परसेंटेज होता है वो होता है 14%। दोस्तों, बर्गर हाई कैलोरी फूड है, यह वज़न बहुत तेज़ी के साथ बढ़ाता है, साथ ही इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसमें उपयोग किया जाने वाला सॉस भी आपके फैट को काफ़ी अधिक बढ़ाता है। अब बताते हैं कि बर्गर किन तीन कारणों की वजह से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक माना जाता है। दोस्तों, एक डबल हैमबर्गर में 2.16 ग्राम सेचूरेटेड फैट और 172 mg कोलेस्ट्रॉल होता है, जबकि मेयोनेज सॉस में 3.5 ग्राम सेचूरेटेड फैट और 26 mg कोलेस्ट्रॉल होता है। नॉनवेज बर्गर में कोलेस्ट्रॉल का खतरा और भी ज़्यादा होता है। अगली चीज़ आती है दोस्तों, तेल और मैदा। बर्गर में मौजूद मैदे से आंत और दिल की बीमारियों का जोखिम बढ़ता है, साथ ही तेल में ब्लड में कोलेस्ट्रॉल और बॉडी में फैट बढ़ा देता है। बर्गर से अनसेचूरेटेड और ट्रांस फैट दोनों ही बढ़ते हैं। हाल में हुए एक रिसर्च से पता चलता है कि ट्रांस फैट जानलेवा साबित हो सकता है। अगली चीज़ आती है, फास्ट फूड में नूडल्स किस प्रकार आपको नुकसान पहुंचाते हैं। नूडल्स की आप मात्रा ले लेते हैं 100 ग्राम और यह आपको कैलोरी देता है 138 और इसमें सोडियम का जो प्रतिशत होता है वो होता है 0.8%। नूडल्स भले ही तुरंत तैयार किए जा सकते हैं और यह स्वादिष्ट भी लगते हैं, लेकिन यह कई बीमारियों को पैदा कर सकते हैं। नूडल्स खाने से फैट तेज़ी के साथ बढ़ता है, साथ ही दिल की बीमारियां भी हो सकती हैं। इनमें मौजूद मैदा आंतों के लिए नुकसानदायक होता है। नूडल्स के जरिए मोनोसोडियम ग्लूकोज शरीर में आ जाता है, जो किडनी रोग, माइग्रेन, हाइपरटेंशन और हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। अगली चीज़ आती है पिज़्ज़ा। इसकी मात्रा होती है 100 ग्राम, कैलोरी देता है 151 और सोडियम का परसेंटेज जो होता है वो होता है 6.75 ग्राम। अधिक पिज्ज़ा खाने से दिल के रोगों का खतरा बढ़ जाता है। 28 ग्राम के एक पिज्ज़ा स्लाइस में 18.5 ग्राम फैट होता है। यह शरीर को रोज़ाना मिलने वाले डेली फैट का 28% होता है। अमेरिकन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार कि नमक सोडियम के 3 बिग सोर्स में भी पिज्ज़ा एक होता है। 10 इंच के एक स्मॉल चीज़ पिज्ज़ा में लगभग 1200 कैलोरी होती है। जी हाँ दोस्तों, अब बताते हैं इसके अगले नुकसान के बारे में पिज्ज़ा से रिलेटेड। पिज्ज़ा बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला अनाज पेट की चर्बी को बढ़ाता है, यह घातक हो सकता है। यह बात अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिएंट्स के रिसर्च में साबित हुई है। इस तरह हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में एक हुई स्टडी के अनुसार पिज्ज़ा खाने से आंत संबंधित बीमारियों के होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। ये होता है फास्ट फूड खाने से नुकसान। अब उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इस बारे में सतर्क हो जाएंगे कि अगर आप लोग कभी कभार फास्ट फूड खाते हैं
तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर आप अधिकतर फास्ट फूड खाते हैं और फास्ट फूड के बहुत ज़्यादा शौकीन हो चुके हैं तो ये आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखें और आगे से सतर्क जरूर रहें। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।